स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों हम लेक्चर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आप लोगों ने नहीं देखा हो जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट नीचे बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आएगी, तो सभी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सारे लेक्चर आपको अच्छे लगे तो फॉलो कीजिएगा एंड टाइम मिलते मिलते हम सारी चीजें धीरे धीरे देखते रहेंगे। जब जब टाइम मिलेगा, जब आपको एक लेक्चर मिल जाएगा एंड रेगुलर भले ही नहीं है बट आपको टाइम पे जब भी मिलेगा लेक्चर, जब जब हमें समय मिलेगा हम आपको लेक्चर देंगे ना, तो आपको वो बहुत इफेक्टिव रहेंगे लेक्चर, क्योंकि काफी अच्छी तरह से हम आपको ये लेक्चर्स दे रहे हैं। भले ही रेगुलर नहीं है उसके लिए हम माफी जरूर चाहेंगे। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में लेक्चर्स करने वाला हूं अब जितने भी होंगे। सो लेक्चर 9 हम देखेंगे आज, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा। अब ये क्या चीजें हम ये तीनों देखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर 8 जो बनाया था वो ग्रेविटेशन के ऊपर बनाया था, उसमें बेसिक्स मैंने पढ़ा दिए थे। मैंने कहा था एक लेक्चर और होगा बट अभी उसकी नीड नहीं है क्योंकि एसएससी जेई आरआरबीजी में जितना आता है उतना वो सफिशियंट है। 10th तक का जो सीबीएसई का कोर्स बोला है उसमें उतना सफिशियंट है, उससे ज्यादा जो है वो 11th में आता है, इसलिए हमने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया है। तो 10th तक सीबीएसई में जरूर ग्रेविटेशन है, ये ध्यान रखिए। कुछ पूछ रहे थे कि ग्रेविटेशन नहीं होता है बट आप कोर्स चेक कीजिए, हे ग्रेविटेशन 10th तक में। ओके चलिए अब आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जनरल चीजें हैं, ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है बचपन में, रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके से हम, और कुछ नहीं है। वर्क क्या होता है वो हम पहले देखते हैं, आखिरकार वर्क क्या होता है। कार्य, कार्य की बात करता हूं मैं, वर्क की बात कर रहा हूं यहां पर। तो कार्य क्या चीज है, इंग्लिश में पहले मैं रीड आउट कर लेता हूं अगर आप समझना चाहे तो। किसी भी बॉडी को यानी व्हेन अ बॉडी हम डिस्प्लेस करते हैं, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स, यानी कि बल लगाकर हम उस चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर या फिर डिस्टेंस कह सकते हैं, तो उसे कह रहे हैं हम वर्क। यानी आपने कुछ काम किया है, कार्य किया है ना, आपने यहां से पैन उठा के मार रखा ये आपका कार्य है, आपने लिख रहे हैं ये आपका कार्य है, जो भी कर रहे हैं आप कार्य तो कर ही रहे हैं, ठीक है। वही चीज है, डेफिनेशन में हम इसे फोर्स इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम बनाते हैं, हालांकि इसका फॉर्मूला बट नॉर्मल तरीके से समझे तो कार्य आपको पता है क्या है, इसका ज्यादा नीड नहीं है समझने की। फॉर्मूला में लिखता हूं फोर्स इंटू एस, ये फोर्स है जो कि न्यूटन में है, ये चीज है क्या, फोर्स जो है न्यूटन में है, ऐसा यूनिट में अच्छे से पढ़ा चुका हूं आपको। यूनिट्स तो यूनिट्स में आप लोग कंफ्यूज तो होंगे ही नहीं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फोर्स ये न्यूटन में लेते हैं हम इसे, ये है क्या बल है, ये क्या है फोर्स है, न्यूटन में ले रहे हैं, ये क्या है, यस ये हम लेते हैं किस चीज में लेंगे, हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, डिस्टेंस हम मीटर ले लेते हैं जनरली एम के सिस्टम, तो ये क्या है इसे हम डिस्टेंस माने। ओके तो फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी कि आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे आपने फोर्स लगाया इसी डायरेक्शन में और ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया किसी एस डिस्टेंस से, मोशन कर गया, कुछ भी कर गया, मोशन भी अच्छे से पढ़ाया हम लोगों ने, तो ये यहां पर आ गया ना अगर, तो इस जगह पे एस डिस्टेंस पे आ गया तो इस पे क्या लगा था, वर्क लगा था, जब भी तो यहां पर आया, आपने काम करा है जब भी आया यहां पर, ऐसे तो उठ के आ नहीं गया। तो यही चीज है वर्क की, इसे मैं इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, लेक्चर्स बड़े हो जाते हैं लिखने के चक्कर में, आप समझ लीजिए, आपके बुक्स होंगी पर्टिकुलर उससे सब आप देख पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, मैं कंसेप्ट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आप जब भी पढ़ाऊंगा। चलिए और अगर आपको कुछ और लगता है, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं सजेशंस तो जरूर दीजिएगा। तो एग्जांपल मैं कुछ भी ले सकता हूं, ये एक एग्जांपल ही था, आप देखें तो कुछ भी कर सकते हो, आप ट्रॉली ले जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो कार्य, तो उसके लिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है एग्जांपल देने की आई थिंक। तो ये ही है आपका कार्य यानी वर्क। अब इसकी यूनिट जो है ऐसा यूनिट ध्यान रखने वाली है क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन जो पूछते हैं वही तो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए पढ़ाई, क्योंकि हम अब कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए तो कर नहीं रहे। तो जूल, ऐसा यूनिट जो है इसकी जूल है, और इसे क्या कहते हैं, हमने ऊपर से जो कन्वर्ट करा था न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर कैसे आया, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस है, यानी कि न्यूटन फोर्स इंटू डिस्टेंस आपका एम, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर, इसे जूल से भी कहते हैं ध्यान रखिएगा, और न्यूटन मीटर भी कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ओके समझ में आ गया। अब अगर आप पूछे जाए कि 1 जूल क्या होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछते नहीं है, अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क क्या बोल रखा है, 1 जूल बोल रखा है, 1 जूल बोल रखा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, ये भी यूनिट है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस एस से ले लेते हम, समझ में आया, बल इंटू आपका जितना भी डिस्टेंस लगा है।
तो हमने इसको वन से मल्टीप्लाई, इसको भी वन से मल्टीप्लाई करा तो भी वन ही बनेगा, यानी वन जूल होगा, यानी कि वन न्यूटन फोर्स लगाने पर, हम 1 मीटर उसको डिस्प्लेस कर देते हैं जगह से, तो वो हो जाएगा हमारा 1 जूल। तो ये बेसिक चीजें थी। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज है वर्क से रिलेटेड। अब वर्क तो हमने पढ़ लिया, डन, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल। अब जिसे एंगल की जैसे चीजें पता है वो तो इसे भी यूं ही कर लेगा सॉल्व। आप मान लीजिए ये फोर्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी, आपने किसी एंगल पर फोर्स लगा दिया, यानी कि आपने इसे एंगल पे फोर्स लगा दिया, आपने यहां पर फोर्स लगा दिया, समझ रहे बात को? आपको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो वो ये यहां लगना चाहिए था, बट आपने किसी एंगल पे लगा दिया हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लेते हैं किसी थीटा पे। ओके, अब मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी पहले भी कि जो जिस लाइन से अगर थीटा बनता है वो लाइन कॉस थीटा के कंपोनेंट में बढ़ती है, ये भी बता चुके हैं। अब अगर हम रिजोल्व करते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां रिजोल्व करते हैं इसे, तो यहां एफ भी लग जाएगा ना, तो एफ कॉस थीटा बन जाएगा। समझ में आई बात आपको? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर हम वर्क के रिलेटेड बात करें तो वर्क क्या होता है, एफ इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया तो मूव भी तो करा है। तो ये जो अगर किसी एंगल पर अगर हम लगा देते हैं फोर्स, तो वो क्या बन जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वर्क्स, कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं, समझ लीजिएगा, टाइम लगता है हिंदी में लिखने में और सारी चीजें डेफिनेशन लिखने में, तो आप ही मना करते हैं इतने लंबे लेक्चर्स का, इसलिए मैं इसे सिर्फ बोल रहा हूं। टाइप्स ऑफ वर्क, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क, वर्क एंड यहां पर भी वर्क। ओके, अब ये क्या है, देखिए किसी भी चीज पे अपन फोर्स लगा दिया और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया उसी सेम डायरेक्शन में, यानी कि आपने यहां फोर्स लगा रहे थे, आप इस पे फोर्स लगा रहे थे, इसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में यहां पे हो गया एस से, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स था, तो वो पॉजिटिव वर्क कहलाया जाएगा। नेगेटिव वर्क कब कहेगा, आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है, आपने यहां पर इस पे फोर्स लगाया और आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यानी कि यहां पे आ गया मान लीजिए, ठीक है, उल्टी साइड में आ गया, वो क्यों आएगा यहां पर, अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तभी आएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है मैं बता चुका हूं, अपोज करता है आपके फोर्स को, आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं फ्रिक्शन के कारण, तो फ्रिक्शन भी अच्छे से पढ़ रखा है हमने, तो ये इस जगह पे रफ सरफेस पे मूव कर रहे हैं, तो वो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, इसे हम क्या कहेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपने आपका जो लग रहा है वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, आपके आपका कार्य अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है जब आप बल लगा रहे हैं, तो वो नेगेटिव वर्क कहला जाएगा। और इसका केस क्या है, फ्रिक्शन का केस है, फ्रिक्शन से आप समझ सकते हो। अब ये क्या होगा, वर्क जीरो कैसे हो सकता है, जीरो जब भी होगा जब कुछ कार्य कर रहे हैं पर लग्न हो नहीं रहा, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपका, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर है डायरेक्शन से, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, सॉरी, फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है डिस्टेंस से, यानी कि हम उसे कुछ और भी कह सकते हैं, मैं वो जनरल वो लिख देता हूं, फोर्स का डायरेक्शन जो छोड़िया, फोर्स जो है वो आप परपेंडिकुलर लगा रहे हैं किस चीज से, डिस्प्लेसमेंट, फोर व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, तो जब वो होगा जीरो वर्क। कैसे होगा, ये आपका है, आप इस पे चढ़ गए और अब यहाँ फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये तो बस इस पे फोर्स लगेगा ना, बस फोर्स लग रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है उसका, परपेंडिकुलर जा रहा है वो, आपको डिस्प्लेसमेंट यहां कराना है, आप ऊपर चढ़ के लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जीरो वर्क, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। तो ये चीज है जीरो वर्क के, इसमें एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, कूली का एग्जाम्पल लेते हैं कि कूली अपने सिर पे रख के जब आगे बढ़ता है तो वो एक्टिंग जो करता है फोर्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जो वेट ऑफ लोड होता है ना वो डाउनवर्ड होता है, और डिस्टेंस जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो वर्क जीरो हो जाएगा उसको, भले ही वो कूली लेके गया सामान वहां पर, ठीक है कूली ले जरूर गया सामान, बट वर्क जीरो रहेगा वहां पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। समझ में आई कूली वाली बात आपको? तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आप सोचेंगे कूली सामान तो ले जा रहा है तो काम तो किया उसने, बट नहीं, जीरो वर्क। समझ में आई बात? तो ये चीज है बेसिक सी। अब हम आगे देखते हैं, पावर की बात करेंगे हम आगे, तो आगे मूव करते हैं पावर पे। तो पावर क्या है? पावर को आप हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, और आप हिंदी समझते हैं पावर को, एक पावर आप हिंदी मीडियम वाले भी होंगे तो पावर तो आपको पता ही होगा। तो पावर का पहले फॉर्मूला लिखूंगा तो जो होगा वर्क अपॉन टाइम, वर्क से रिलेटेड है पावर भी और एनर्जी भी। इसे हम और लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू अपॉन टाइम टी। अब पावर और एनर्जी समथिंग रिलेटेड लगेगी आपको, बट नहीं है। पावर क्या है वो मैं लिखता हूं टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी। टाइम रेट यानी किसी रेट पे, किसी टाइम के रेट पे, यानी इसलिए तो अपॉन में टाइम आया तो वो वर्क हो जाएगा। यानी कि आप पास कितनी क्षमता है, आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या पावर से आप काम कर गए, वो चीज है। आपने कम समय में, अब ये देखिए आप बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताता हूं, वन अपॉन टी कह सकते हैं ना, यानी कि पावर ज्यादा था टाइम कम हो रहा है, पावर कम लगेगा अगर टाइम ज्यादा है, पावर कम है आपकी जगह टाइम ज्यादा। किसी भी काम को आप जल्दी कर देंगे तो पावर आपकी ज्यादा है, सीधी सी बात, किसी भी काम को समय लेंगे तो पावर आपकी कम है, तो इन्वर्सली होता है। तो ये चीज पावर की बेसिक कंसेप्ट है। ऐसा यूनिट की मैं बात करूं तो ये होता है जूल पर सेकेंड। क्यों आया जूल पर सेकेंड, वो आप ऊपर से देख सकते हैं। ओके, वर्क को जूल में लेते हैं, यहां से वर्क जो होता है इसको इसको बना ही देता हूं आप लोग अगर फिर से देखना चाहते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम है ना, वर्क को हम क्या लिखते हैं जूल में, टाइम को किस में लेते हैं सेकेंड में, यूनिट्स पढ़ी हैं आपने तो बस इसलिए। इसको और क्या कहते हैं, जैसे उसको हमने न्यूटन मीटर और जूल से कर देखा था ना, और में इसको कहते हैं और वॉट, कितने वॉट का पावर है, तो W से भी डिनोट करते हैं कैपिटल W वॉट। ओके, तो ये पावर है। चलिए जल्दी से आगे मूव करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक सी चीज है, कभी कभी पूछ भी ली जाती है, वन हॉर्स पावर कितना वॉट होता है ये पता होना चाहिए आपको, 746 वॉट, ये ध्यान रख लीजिए बस, बाकी और कुछ काम की चीज नहीं है। एंड किलो लगता है तो 10^3 से मल्टीप्लाई होता है, यूनिट्स में अच्छे से पता चलता है, तो 1 किलो वाट कितना हो जाएगा अगर हम वाट में देख रहे हैं तो 10^3 वाट, वाट। ओके, मेगा क्या हो जाएगा, हम पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी ये सब, 10^6। तो इसी तरह ये चीजें हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे हमारी, वो है एनर्जी। वॉट इज एनर्जी? अब एनर्जी हिंदी में क्या कहते हैं एनर्जी को, ऊर्जा। अब हम एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या होती है। चलिए एनर्जी के बेसिक से डेफिनेशन देखेंगे। तो ये क्या है आपको, जैसे हमने वो देखा था टाइम रेट पे वर्क कर रहे हैं तो वो पावर है, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। आपके पास एनर्जी ही नहीं बची है, आप उस काम को कम कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो कुछ कैपेसिटी होती है आपकी, कैपेसिटी अगर है किसी काम को करने की, क्षमता, क्षमता जिसे कहते हैं, वो ही एनर्जी है। क्षमता किसी भी कार्य को करने की वही एनर्जी है। ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होती है, जूल ही होती है, ध्यान रखिएगा, वर्क और एनर्जी की जूल ही होती है। एंड 1 किलो जूल की मैं बात करूं, 1 किलो जूल की, तो 10^3 जूल होता है, क्यों, क्योंकि किलो लग गया है, बेसिक सी चीजें हैं। तो ये एनर्जी की डेफिनेशन है बेसिक। एनर्जी आगे दो टाइप की और होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, वो भी हम पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि एनर्जी क्या होती है। हम आगे मूव करते हैं कि आप थोड़ा सा बेसिक चीजें और सीखेंगे, इतना सा तो एनर्जी पढ़ के क्या मतलब। तो अभी ये बात करने वाला हूं कि आप जो है, आपने जो, तो अब एक कंसेप्ट की बात करता हूं मैं, कंसेप्ट भी समझें क्या होता है कि आप, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं लूं मैं इसे, आपको ही बना देता हूं यहां पर, कि आपके पास एनर्जी थी, ये आपके पास एनर्जी थी और ये आपका ऑब्जेक्ट था, आपके पास एनर्जी थी कुछ, ठीक है, एनर्जी थी, आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहा और ऑब्जेक्ट यहां मूव हो गया, यानी कि आपकी एनर्जी इसमें आ गई, यानी कि क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ ना, ट्रांसफर एनर्जी का। तो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, वो फोर्स एग्जर्ट कर रही है और उसके कारण वर्क हो रहा है, और वो आपका एनर्जी जो है फोर्स के कारण किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रही है और वो आगे उसको
जो है एनर्जी गई, जभी तो वो डिस्प्लेस होके आगे गया। तो यही बेसिक सा कंसेप्ट है एनर्जी का। तो आगे और भी देखते हैं हम चीजें। चलिए आगे जब हम बात करते हैं कि एक चीज और देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस, वर्क नहीं सॉरी वर्क नहीं, हम एनर्जी और पावर का डिफरेंस की बात करता हूं। कि एनर्जी पावर एक बार और देख लेते क्या है। तो पावर जो है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और एनर्जी क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ऊपर मैं कंसेप्ट अच्छे से ऑलरेडी समझा चुका हूं। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है वो हम देख लेते हैं, लिख लेता हूं मैं यहां पर उसे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मैं पीडीएफ अब नहीं दे रहा हूं आपको, ये जो लिख रहा हूं इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आप समझ लें। अगर आपको पीडीएफ फिर भी चाहिए आगे वाले लेक्चर या इस लेक्चर में, तो आप बताइएगा मुझे, तो मैं उस हिसाब से ही लिखूंगा, क्योंकि ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिखा नहीं उस चीज का, उस चीज को लेकर ज्यादा लोग उसे ले नहीं रहे, मतलब लेने का नहीं बात है, मतलब उसे देख नहीं रहे, उसे जो लिंक दे रहा हूं वहां पर तो बहुत कम ही लोग देख रहे हो, ना उस बारे में किसी ने कुछ बात करी है। तो अगर हो तो बता देना, तो मैं उस हिसाब से लिखूंगा, अदरवाइज मैं इस तरह से लिख लेता हूं, बस आपको समझना आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहली जो चीज है वो मैं लिखता हूं हीट एनर्जी, दूसरी मैं लिखूंगा इंटरनल हीट एनर्जी, इंटरनल यानी आंतरिक हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय, ऊष्मा जिसे कहते हैं ना उसकी एनर्जी। थर्ड इलेक्ट्रिकल विद्युत, ठीक है। फोर्थ केमिकल रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी। फिफ्थ देखें तो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नाभिकीय, न्यूक्लियस का जो कहते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन आगे पढ़ेंगे हम। तो हीट एनर्जी क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो क्या चीज है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, तो एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू इट्स टेम्परेचर, तो उसे ही हीट एनर्जी कहेंगे। हीट टेम्परेचर से रिलेटेड ही है, ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हीट डेवलप होती है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी या कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्ट। तो हीट एनर्जी जब वही वही चीज हो जाएगी जो टेम्परेचर के कारण पजेस्ट हो रही है किसी भी चीज में। इंटरनल की बात करूं तो ये इंटरनल एनर्जी होती है इंटरनल मॉलिक्यूल्स के कारण, इंटरनल मॉलिक्यूल्स के कारण। किसी भी ऑब्जेक्ट के आपने देखा होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई प्रकार का आपका सॉलिड है, इसके अंदर चलिए सॉलिड है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलके ही बना है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो रैंडम मोशन भी करते हैं, वाइब्रेशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब चीजें जो है रैंडम मोशन भी करते हैं, तो उसकी वजह से जैसे गैस पार्टिकल्स, आप मान के चलिए किसी भी पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, करते ही है ना पार्टिकल्स, इसलिए वो एस्केप हो जाते हैं किसी भी चीज में, वो फील करके नहीं रख सकते। जस्ट लाइक वाटर, वाटर इज अ लिक्विड, सॉलिड स्टेट में हम बात करें, हम गैसियस स्टेट में बात करें, आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो ये चीज जो है वो उस मोशन जो कर रहे हैं उसके कारण जो एनर्जी डेवलप हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में या सॉलिड में इंटरनली, तो वो इंटरनल मॉलिक्यूल के कारण हो रही है और वो इसे इंटरनल एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो क्या होगा, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करेंट इन अ, द फ्लो ऑफ करेंट इन अप्लायंस। कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आपके पास, उसमें जो एनर्जी लग रही है उसके करंट वो फ्लो को मेंटेन करने के लिए कि करंट बकायदा बहता रहे लगातार उस अप्लायंस में, तो उस एनर्जी को कहेंगे केमिकल, क्या सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की बात करूं तो एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, यानी कि एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके कारण जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिलीज हो रही हो, रासायनिक जो क्रिया हो रही है उसके कारण जो भी हो रही है वो एनर्जी केमिकल एनर्जी हो जाएगी, चाहे वो रिलीज हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो। न्यूक्लियर भी सेम यही है,
सेम चीज है, सेम चीज होगी न्यूक्लियर की भी, कि न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे ही कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। किस कारण होती है? जनरली दो चीजों का, फिजन डबल एस होता है एंड फ्यूजन। ओके, तो ये बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट नहीं थी बट एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आनी चाहिए, कहीं पे भी यूज हो आप कॉन्सेप्ट लगा के कुछ क्वेश्चंस बना सके, इसलिए बता दिया मैंने। ये चीज आएगी अब, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो क्या है, फॉर्मूले से देखें क्या, डेफिनेशन से देखें। डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण ही लग रही है, सिंपल सी बात है, मोशन या यूज हो रहा है, मोशन में काइनेटिक एनर्जी पड़ चुके हैं। तो ये मोशन के कारण यानी काइनेटिक, काइनेटिक है ना, मोशन हुआ किसी चीज का, उस कारण से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। आपने बॉल फेंक के मारी स्टंप पे, या फिर आप बॉलिंग कर रहे हैं तेज स्पीड से और उसमें आपने बॉल जाके स्टंप पे जब टकराती है, उस स्टंप पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, स्टंप वहीं नहीं गिरता है, पीछे जाता है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी लेता हुआ आ रहा था बॉल, उसकी स्पीड के कारण वही उसमें लग गया और वहां पे जाके वो स्टंप थ्रो हो गया बैक साइड, क्योंकि वो एनर्जी लेके आ रहा था रास्ते में, उसने एनर्जी बनाई है। थ्रो करते हैं ना आप किसी भी चीज को, दौड़ते हुए जाते हैं फिर तेज थ्रो करते हैं, वहीं खड़े खड़े कम तेजी से कर पाते हैं, तो वो एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं। तो यही बेसिक सा कंसेप्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बचपन से पढ़ा होगा, याद भी होगा आप लोगों को, हाफ एम बी स्क्वायर। अब आपको पता है लीनियर मोमेंटम होता है, पी इज इक्वल टू एम बी, एम वी हम पढ़ चुके हैं, तो इसे इसमें लगा दीजिए, तो हाफ इंटू एम इंटू वी इंटू वी, यही फॉर्मूला इसको कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम करते हैं हाफ एम वी, हो गया पी इंटू वी। अब यहां से इस इक्वेशन से पी इज इक्वल टू एम वी से वी निकालें तो क्या होगा, पी बाय एम होगा ना, तो पी बाय एम होगा, तो बस इसमें डाल दो वी की जगह, हाफ इंटू पी इंटू पी बाय एम। तो ये क्या बन गया, दो फॉर्मूले बन गए काइनेटिक एनर्जी का, तो घबराइएगा मत, दूसरा फॉर्मूला अगर दिख जाए ऑप्शन में, हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय टू एम, ये दो फॉर्मूले ध्यान रख लीजिए, मोमेंटम के उस पे और मास और वेलोसिटी के उस पे, ये दो चीजें हो गई। अगर इस पे रिलेशन आएगा तो आप बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा प्रोपोर्शनल टू वी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा प्रोपोर्शनल टू पी, समझ गए बात, पी स्क्वायर ऐसा भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है, थोड़ी बहुत ध्यान रखिए। एक एग्जांपल बताया काइनेटिक एनर्जी का आपको, थ्रो करने का और बॉलिंग का, तो इसी तरह से किसी भी चीज में आप इसको काइनेटिक मूव करा के एनर्जी लगा रहे हैं कहीं पर, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके कारण वर्क हो जाएगा। एक हैमर है, आपने हैमर को लगाया यहां पर, आपके नेल है जिसे हम कील भी कहते हैं, तो इस पे आपने लगाया यहां, तो कील अंदर चली जाती है ना, तो एनर्जी यहां पे थी काइनेटिक, समझ गए। ओके, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेता हूं, ये आज का लास्ट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसे अगर हम हिंदी में बात करूं तो स्थितिज और ऊर्जा। देखिए गलत लिखा हो तो माइंड मत करिएगा, बोल के बता दिया है, क्योंकि हिंदी लिखना मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है लिखने में। और देखिए यहां पर मैं बात करता हूं आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये आखिरकार है क्या। अब ये चीज वो है कि एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजिशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझे, समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप सब समझ जाएंगे। यार देखो ये एक कंटेनर है, यहां पर एक पानी भरा हुआ है इसमें, तो इतना पानी जब भरा था, ये किसी विड्थ है बी और कितनी हाइट है, इतना पानी भरा था तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके मास और इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम से तो बनेगी। अब यहां पर अगर आप मान लीजिए ये पानी का कंटेनर इतना ही भरा था, तो ये पोटेंशियल वन मान लें, ये पोटेंशियल एनर्जी टू मान लें, ये हाइट एच टू मान लें, ये हाइट एच वन मान लेते हैं, और बी वही है, इतना था,
हाइट कम हो गई, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें हाइट कम हो गई तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी वन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी टू का, यानी कि वो इतनी चीज इतना जो था ना यहाँ पर वो लगा ही नहीं पा रहा है इतना, तो उसके शेप तो साइज चेंज हो गया ना, साइज चेंज हो गया, हाइट कम हो गई, उतना उसपे इतने के कारण हाइट ज्यादा थी, वो ज्यादा प्रेशर और ज्यादा उस पर दबाव लगा रहा था बट इसमें नहीं लगा पा रहा है। तो यही कंसेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी का। एंड इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट कम हो गई तो ऑब्वियसली हाइट मल्टीप्लाई में प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल एनर्जी के, इसलिए वो भी कम हो जाएगा। तो कंसेप्ट एग्जांपल से बता दिया तो भी समझ जाएंगे। आप डैम का एग्जांपल लेंगे तो डैम में पानी जब ज्यादा रहता है, हाइट ज्यादा रहती है तो ठीक है, पानी कम होता जाएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम लगाएगा। आप और एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे, तो एग्जाम्पल क्या है समझ गए, आप ये कंटेनर वाला बताया ना, आप इसे समझ गए होंगे, और एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी चीज आप मान लीजिए उसका शेप और साइज, आप एक टेबल है आप मान लीजिए, चल एग्जाम्पल देख लेते हैं, टेबल है यहाँ पर एक पत्थर इतना रखा है जिसकी हाइट इतनी है, या ऑब्जेक्ट रखा है ये हाइट इतनी रखी है, बी आप वही लेके चले, या फिर बी भी कम हो जाए हाइट के अलावा, बी भी पर्टिकुलर उसका जो वेट या मास और हम बात कर रहे हैं ना वो कम ज्यादा भी हो रहा है शेप और साइज के कारण, तो वो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी कम कैरी कर रहा होगा, ठीक है, जो छोटा है, और बड़ा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कैरी कर रहा होगा। यही चीज आपने अगर फेंक दी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो यही चीज है। तो हम टोटल एनर्जी किसे कहेंगे, समझ तो दोनों चीज ली, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यही चीज हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी जो है इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो इसे कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल वर्क हुआ ना, आपके पास किसी शेप साइज का ऑब्जेक्ट है उसे आप पोटेंशियल एनर्जी कैरी कर रखी है, उसने वही आप उसको थ्रो कर रहे हैं तो वो वर्क क्रिएट कर रहा है, जो एनर्जी लेके जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है तो वो जाके कहीं पे जाके वो रिलीज करेगा एनर्जी को, उससे कुछ आगे जाके इफेक्ट होगा, यानी कि आपने बॉल फेंकी थी स्टम्प पीछे गया था तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, और यही दोनों का समेशन मिलाएं तो हम उसे मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि आपका मैकेनिकल वर्क हुआ है पूरा, समझ गए मेरी बात। तो यही है एनर्जी का कंसेप्ट, और आगे थोड़ी बहुत और चीजें हैं एनर्जी वर्क एनर्जी एंड पावर में बेसिक सी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे ऐसे ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये दो जो चीजें और भी हैं उनके एग्जाम्पल जनरली पूछते हैं तो वो भी हम देख लेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखेंगे आप, और बाकी लेक्चर देख लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आता है आप जरूर पढ़िएगा, उसे फॉलो कीजिएगा। और बायो के लेक्चर की बात करूं तो मैम आपको पढ़ा रहे, जब भी उनको टाइम मिलता है वो लेक्चर बना देते हैं, उन्होंने एक बना दिया, कल आपके पास लेक्चर आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री की भी बात है तो मैं वो केमिस्ट्री का भी करता हूँ चालू, तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देते हैं हम, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ते रहते हैं, सो जितना भी होगा पॉसिबल हम आपके लिए उतना कर देंगे, तो देखते हैं कितना हो पाता है और आप लोगों का रिस्पॉन्स किस हिसाब से रहता है, क्योंकि ठीक है आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि मैं थोड़ा अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, डीपली थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट जरूरत भी है क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग है आपका जनरल साइंस, और काफी मार्क्स रखता है एग्जाम्स में वेटेज इसका, क्योंकि जनरल अपेंडिक्स की बात होती है, जो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो साइंस पूछा जाता है, तो हमें ये स्कोर करना है, इसलिए थोड़ा डीप से पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ लोगे इतना तो आपको कम से कम क्वेश्चन तो बन जाएंगे, इसलिए आप बस देखते रहिए और समझिए, कुछ डाउट हो इनमें भी तो आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट सेक्शन में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा काफी जल्दी, आई होप सो काफी जल्दी हम फिर से मिले लेक्चर को लेके, इस लेक्चर को लेकर। सो जब तक आप लोगों से विदा लेता हूँ, एग्जाम टाइम चल रहा है, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम टाइम पे, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप किसी हेल्थ की वजह से आपका एग्जाम रुके, क्योंकि एक्सपीरियंस वाली बात है मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम टाइम के 4 दिन पहले भी आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। कोई मेहनत का मतलब ही नहीं रह जाता एक तरीके से, क्योंकि आप 4-5 दिन पहले ही बीमार हो गए और नहीं पढ़ पाए, इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग हेल्थ का भी ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी अपनी फैमिली में इसी जगह पर फिर से, जब तक के लिए विदा लेता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।